Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. We will discuss to Civil Procedure Code 908. In this video, we will discuss to Section 8, जो डील करता है प्रेसिडेंसी स्मॉल कोज कोर्ट्स को लेकर. गाइस, जो हमारा प्रेसिडेंसी है, इसका मीन्स है कि जो भी हमारे स्मॉल टाउन्स हैं, उनमें जो डिस्प्यूट होते थे, उनको कहाँ पर डील किया जाता था. अंडर द प्रेसिडेंसी स्मॉल कोज कोर्ट्स एक्ट 1882 के अंडर थ्री कोर्ट थी. थ्री कोर्ट में इन्हें डिवाइड किया गया था, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे. जो भी स्मॉल टाउन्स के जो भी डिस्प्यूट होते थे गाइस, उन्हें सीपीसी में इंटरटेन ना कर इन कोर्ट में इस एक्ट के अंडर डील किया जाता था. एक स्टेट अमेंडमेंट हुई थी, थ्रू द स्टेट अमेंडमेंट इसे चार कोर्ट में डिवाइड कर दिया गया है. अब कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे एंड अहमदाबाद. अब अहमदाबाद भी इसका एक पार्ट है, स्मॉल कोज कोर्ट्स एक्ट 1882 का. गाइस, जो हमारा, अगर हम अमेंडमेंट की बात करें, ये था हमारा गुजरात एक्ट नंबर 32 ऑफ 1961, सेक्शन 21 था. इसे आप एक बार देख लीजिएगा. गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पर इन सेक्शंस की, तो गाइस इनके ऊपर जो हमारा सीपीसी है वो एप्लीकेबल नहीं करता. तो गाइस, अगर हम बात करें प्रोविंशियल स्मॉल कोज प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट कोर्ट्स एक्ट 1882 में भी हमारा जो सीपीसी है वो एप्लीकेबल नहीं करता था. इसीलिए इसके ऊपर हमारा जो था 1882 वाला एक्ट ही इनके ऊपर एप्लीकेबल करता था. तो गाइस, इसमें एक प्रोवाइड किया गया है कि जो हमारा यहाँ पर एक्ट है प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स एक्ट 1882, अगर इन्हें कुछ लगता है कि इसमें कुछ चेंज होने चाहिए, टाइम टू टाइम अगर कुछ भी लगता है अकॉर्डिंग टू लॉ कि हमें किसी अमेंडमेंट की नेसेसिटी है, इस एक्ट के अंडर कुछ और भी चेंज होना चाहिए, जहाँ किसी चीज़ को किसी भी लॉ को मॉडिफिकेशन कर जैसे अडॉप्शन कर जो भी इन्हें स्पेसिफाइड लगता है, वो हमें ऑफिशियल गजट के थ्रू नोटिफिकेशन कर सकते हैं. इसकी क्लास को लेकर एंड इसकी कोर्ट प्रोसीडिंग को लेकर, सूट्स और प्रोसीडिंग इन सच कोर्ट्स. ओके गाइस, जो हमारा सेकंड है, इसमें बताया गया है कि जो भी रूल्स बनाए गए हैं मेड बाय एनी सच हाई कोर्ट, जो भी उच्च अदालत के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं अंडर सेक्शन 9 जो थे प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट कोर्ट्स एक्ट 1882 के अंडर, जो भी रूल्स बनाए गए हैं अंडर सेक्शन 9 के गाइस, उन्हें एज ए शैल बी डीम टू हैव बीन वैलिड मेड. गाइस, उन्हें वैलिड कंसिडर किया जाएगा. आई होप आपको आज का वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट में बताइए. अगर आपको सेक्शन ईजिली अंडरस्टैंड हो गया तो थैंक्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.